भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक्सपायरी डेट का कोल्ड ड्रिंक बेचे जाने के कारण एक यात्री और दुकानदार के बीच विवाद हो गया। दरअसल प्रमोद कुमार नाम के यात्री ने गरीब रथ एक्सप्रेस से यात्रा करते समय प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 के बीच स्थित एक स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक खरीदी, लेकिन उसे स्वाद असामान्य लगा, जिसके बाद एक्सपायरी डेट देखने पर उसे पता चला कि उत्पाद काफ़ी पुराना था। जब यात्री ने इस मुद्दे को दुकानदार के सामने रखा तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद यात्री ने इस मामले की शिकायत RPF थाने में दर्ज कराई, जहां से उसे स्टेशन प्रबंधक के पास भेजा गया। वहीं स्टेशन प्रबंधक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्टॉल की जांच कराई और अनियमितता पाए जाने पर स्टॉल को सील कर दिया गया। वहीं इस घटना ने रेलवे परिसर में स्वच्छता और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पर सवाल खड़ा किया है, खासकर जब स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। मुझे मुंह में देते ही कुछ अटपटा सा स्वाद लगा, ना तो इसका जो गर्मी था जो था तो कोई टेस्ट नहीं आया, फिर भी मैं एक घूंट पिया, पैसे खर्च किए हैं यहाँ कौन सुनेगा, फिर भी पिया। फिर उसके जी शिकायत हम थाना में गए थे, मुझे जानकारी नहीं, मैं सीधा मैं थाना में गया, उन्होंने मैं बताया कि आप स्टेशन मास्टर के पास में जाइए। इस बीच में 15-20 मिनट का समय गुजर गया और फिर मैं स्टेशन मास्टर के पास में पहुंचा, जिससे कि आपसे भी कुछ लोग आए हैं और ये आप देख रहे हैं। मैं मूल निवासी तुलसीपुर का हूँ, गंगापहाड़ से, लेकिन दिल्ली ही मेरा सारा कुछ निवास रहता है। मैं अभी छठ पूजा करने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी माँ सारा परिवार दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में बवाना रहते हैं, जैसे कॉलोनी जी, यही गरीब रथ से जाएंगे जी, इसी दुकान पे, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम गाड़ी बेच रहे थे, हमको पता नहीं चला, ठीक ना, तो रह गया फ्रिज में, तुमको अंदाजा भी नहीं था, तो अभी यही पता, अभी हमको पता चला कि माल मेरा। क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ, नाम क्या हुआ? छोटू कुमार।